ये एक 55 वर्षीय सरदार जी हैं, सिख, बड़े जॉली नेचर के हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन इनके घुटनों में खराबी आई और इनको अपना आज से 3 महीने पहले नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। और ये देखिए, इनके दोनों नी रिप्लेस हुए हैं, ये स्कार है, ये दूसरा स्कार है। रिप्लेसमेंट इनको कराना पड़ा। रिप्लेसमेंट क्यों कराते हैं कि ये आपका नी है, ये आपकी पटेला है, इसको आपने हटा दिया तो जो बीच की जो कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेज मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कार्टिलेज जिनकी टोटल घिस गई थी, तो ऊपर वाली जो बोन है, ये जो बोन है ऊपर, ये फीमर बोन है, इसका जो नीचे वाली सतह थी ये पूरी घिस गई थी और ये नीचे वाले टिबिया की सतह से घिस गई थी, ये कार्टिलेज पूरी ख़त्म थी, ये भी ख़त्म हो गया और ये हड्डी इसके अंदर चिपक गई थी। इनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ा और रिप्लेसमेंट के अंदर ये होता है कि ऊपर का पीस होता है जो फीमर में लगता है, ये नीचे का पीस होता है और ये जो सफ़ेद कार्टिलेज है, ये पूरी कार्टिलेज इनकी घिस गई थी और इसके अंदर हम इसको जोड़ को ऐसे चलाते हैं इस तरह से। रिप्लेसमेंट होगा लेकिन इसके अंदर एक झिल्ली होती है जोड़ के अंदर, देखिए इसकी अभी भी स्वेलिंग आ रही है इनके अंदर, ये झिल्ली थी तो उस झिल्ली को अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और जो ये जो कार्टिलेज गली है, जो इसको और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन गली है, इसके टुकड़े भी अंदर भरे रहते हैं। तो कुछ मैं उनका बुराई नहीं करूँगा, कुछ लोग ये टाइम करने के चक्कर में हमने बहुत जल्दी कर लिया है, उसकी उतनी अच्छी सफाई नहीं कर पाते हैं, क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जो ऑस्टियोफाइट उनको ढंग से नहीं निकाल पाते, पोस्टियर ऑस्टियोफाइट को ढंग से नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको ज़्यादा सर्जरी करनी है, एक दिन के अंदर जल्दी करनी है, लंबी ऑपरेशन लिस्ट है, बिला बिला सो मैनी रीजन्स। तो जैसे कि अगर हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं तो हमें अपने बर्तन साफ़ करने में अगर घर के आधा घंटा लगता है, तो बर्तन एक तरह से साफ़ होते हैं, धुलते भी अच्छे हैं। जब काम वाली बाई आती है, उसको 10 घरों में काम करना है, तो वो उन्हीं बर्तनों को 10 मिनट में साफ़ कर जाती है आधा घंटे के, तो खाने की सब्जी भी लगी रह जाती है और जो विम पाउडर वो भी लगा रहता है। अब खाना खाने बैठते हैं तो आपको सब्जी भी लगी दिखती है और वो चिकना भी दिखता है, विम पाउडर साफ नहीं हुआ है। इसी तरह से जल्दी जल्दी का हड़बड़ी का काम जो होता है, उसमें जब क्लीनिंग ढंग से नहीं होती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फिर जो पुराने जो टुकड़े रह जाते हैं, साइनल मेमोरी रह जाती है, वो तकलीफ़ देती है। वही तकलीफ सरदार जी को थी, 3 महीने ये झेलते रहे, फिर कहीं से इनको मेरे बारे में पता लगा तो ये मेरे पास आए हैं। सर क्या क्या परेशानी थी आपको? इनकी रिक्वेस्ट है, इनका चेहरा नहीं आए तो इनका चेहरा मैं नहीं ले रहा हूँ, आप अपनी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? कंटिन्यूस पेन रहती थी मेरे घुटनों में, घुटनों की स्वेलिंग नहीं जा रही थी। हाँ, टांगे बेंड कर लो सीधी नहीं होती, सीधी कर लेते बेंड नहीं होती थी टांगे। हाँ, और दोनों तरफ पेन रहती थी और जो घुटनों का गैप था वो भी नीचे सरफेस पे टच नहीं हो रहे थे जी। मतलब ये घुटना उठा हुआ था, ये घुटना ऊपर उठा हुआ था, तब आए थे कल तो 4 अंगुल का गैप आ रहा था यहाँ पर, ये दोनों घुटनों के अंदर, ये दोनों ऊपर उठे थे, इसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। और एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये और पैर भी जो पैर इनके दोनों कल छोड़िए कल दोनों पैर इनके ऐसे टेढ़े थे, तो जगह पैर ऐसे टेढ़े, इनके पैरों के टेढ़े होने के ये बहुत बड़ा रीज़न है घुटनों को ख़राब करने के अंदर। और बुढ़ापा होते होते ये पैर टेढ़े होने लगते हैं, इनके पैर टेढ़े थे। और मैं आज इनका 3रा दिन है, अब छोटी उंगली से खींचिए, आज काफ़ी पैर इनके सीधे हो गए, नहीं कल तो इनके पूरा ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे एंगल टेढ़े थे और अंगूठे भी ऊपर नहीं जा रहे थे, स्टिप थे ये। इस पर कोई भी नहीं रिप्लेसमेंट सर्जन ध्यान नहीं देता है, अगर हम इन पर शुरू में ही ध्यान दें, अंगूठों पर ध्यान दें, अंगूठे फ्लेक्सिबल है, मिड फुट फ्लेक्सिबल है, फुट के जो 26 जॉइंट हैं वो सब फ्लेक्सिबल हैं, तो घुटना कभी ख़राब हो ही नहीं। दूसरा इनका वजन था, तो इनके अंदर घुटने खराब होने का दो बड़े रीज़न थे कि एक तो इनका वजन जो कि 98 kg था जब इनका रिप्लेसमेंट हुआ, और दूसरे इनके पैरों पर किसी ने काम किया ही नहीं। कल से इनके पैरों पर काम करें, कल से कुछ पैर सीधा हुआ कुछ? ये जो सर पैर सीधा हुआ कल से? पैर सीधा हुआ जी। हाँ, इसके बाद ये जो मेरी कटोरी थी ऊपर जिसको पटेला बोलते हैं, हाँ, ये राइट वाले जो बोलते हैं ये पूरी सेट नहीं बैठी थी ऑपरेशन के दौरान। हाँ, फिर तो डॉक्टर साहब के पास आया तो 3 दिन में बहुत फर्क है इस चीज का। 3 दिन कटोरी भी सेट हो गई आपकी? हाँ जी। अब लग रहा है अब इसमें पेन कम है, पहले पेन बहुत ज्यादा रहती थी। हाँ, अब पेन कम है। आज 3रा दिन था आपका? मेरे से चेयर पे उठना बैठना, बेड से उठना बैठना मुश्किल था, अब मैं कंफर्टेबली
उठ बैठ सकता हूँ, कंफर्टेबली उठ बैठ पा रहे हो, कंफर्टेबली उठ ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हाइपरट्रॉफिक स्कार था, इस स्कार के ऊपर एक काफी ताजा था उस दिन, तो काफी रेड भी हो रहा था ये। ये जो केलॉइड्स बन गया था पूरा, दोनों तरफ केलॉइड्स बन गए थे, हाँ पूरा रेडनेस था। एक बार डॉक्टर साहब ने कल ये जेल हाँ, ये जेल लिख के शीट हमने दिया मंगाई, था, इसको जेल सिलिकॉन शीट जेल मंगाई शीट है। कहते हैं। लगा के बताइए कैसे लगाई थी आपने। इस जेल शीट से काफी आराम मिला है। ना, ये जेल शीट इन्होंने लगाई है। यस, और ये लगाइए, इसकी जो स्टिकिंग वाली सतह है वो यहाँ ऐसे लगाई जाती है जेल शीट को। तो जहाँ भी आप टॉप के स्कार होते हैं, ये सिलिकॉन जेल शीट से, इसके ऊपर अभी हम 3M का एक पेपर टेप लगा देंगे इसको होल्ड करने के लिए, और इसके ऊपर फिर हम नी कैप पहनेंगे। नी कैप दिखाई दे रहा है, इनकी नी कैप लगाई। अब इसके ऊपर ये पेपर पेपर टेप पेपर टेप लगाने के लगा बाद, के, पेपर पेपर टेप लगाने के टेप बाद ये नी हाँ कैप पहना हाँ के उसके बाद ये नी कैप पहना दी थी इनको, उससे उसके बाद ये नी कल कैप हमने पहना दी पेपर टेप लगाने के बाद में। तो उसके साथ कल कल लगाया था आपको, ये लगाया, कल लगाया था, तो आज ही आज में कितना रिलीफ आ गया बहुत इसके बहुत अंदर। रिलीफ है, रेडनेस खत्म हो गई है हाँ, और जो जो स्कार भी जो उसमें केलॉइड्स नीचे बैठ गया किलो है नीचे वो बैठ गया नीचे है। बैठ गया है। हाँ, तो ये 3 महीने के अंदर बिल्कुल ये स्कार दिखने गायब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जी जी हाँ जी बिल्कुल, और आपके पैर यहाँ भी नहीं मिल रहे थे, जी घुटने अब मिल गए पूरे। बिल्कुल मिल गए। हाँ, तो रिप्लेसमेंट के अंदर यहाँ बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीचे का गैप देखा तो मेरी उंगली नहीं जा रही है, और इधर से भी ये मेरी उंगली नहीं जा रही है, तो ये इधर मेरी उंगली नहीं जा रही है, तो ये भी मिला दिया 3 दिन के अंदर। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, पैर भी करीब 45 डिग्री इनका सीधा हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल से विद इन ए वीक इनका ये सब कुछ कंट्रोल आ जाएगी। अच्छा, चाल के अंदर कोई डिफरेंस आया है? हाँ, चाल में भी स्मूथनेस आई है। चाल में पहले चलने में दिक्कत होती थी, दिक्कत हो रात रही को थी, कुर्सी से उठने बैठने में दिक्कत थी, हाँ रात को सोने में बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न पड़ा हुआ है। अभी क्या अच्छा लग रहा है? नमनेस अब बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, 2 दिन से अच्छी नींद आ रही है, 2 दिन से अच्छी नींद आ रही है, बिल्कुल तो मैंने तो कंफर्टेबल अभी लग कोई रहा 1 पैसे की दवा दी नहीं आपको, क्यों जी? है। ये आपकी कोई आपका दवा ये दवा दी कोई आपको? नहीं, ऐसा कोई कुछ दवा नहीं नहीं, दी नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज। सिर्फ एक्सरसाइज। हाँ, तो वो एक्सरसाइज नहीं है, वो अलाइनमेंट करेक्शन थेरेपी है, ठीक है, वो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी सेंटर पर होती है। यानी यहाँ तो डबल MS आपको दे रहे हैं, डिग्री एंड रिहेबिलिटेशन। तो अभी आपने ये देखा कि रिप्लेसमेंट भी अगर के अंदर थोड़ी हड़बड़ी कर दी जाए, अंदर ढंग से सफाई ना की जाए, तो मरीज को परेशानी होती बिल्कुल है, बिल्कुल। कटोरी भी नहीं बैठती है, तो इनकी और अभी तमाम। इन अभी भी स्वेलिंग है, मतलब हाँ, घुटनों सुबह में तो जाएगी थोड़ा जाएगी, जाएगी हाँ अब बिल्कुल। जाएगी, अभी तो 3 दिन हुए। तो यदि दूसरा, इनकी मैंने डाइट पूरी चेंज कराई है, हाँ, डाइट चेंज कराई डाइट चेंज कराई, जी 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 डाइट में क्या क्या बंद करा दिया? आपने एनिमल प्रोडक्ट सारे, एनिमल प्रोडक्ट बंद करा दिए हैं, एनिमल प्रोडक्ट सारे, चिकनाई बंद करा दिए, चिकनाई बंद मिठाई करा बंद दी, करा दिए मिठाई हैं, बंद करा और दी, सलाद सारे बंद करा इंक्लूड दी कर दिया है, और खूब पानी पीने को दे रहा हूँ जी मैं, जी जी बस मेन उस पानी पे जोर है आपका, पानी पूरा पे जो रहे। फोकस है। हाँ, जी तो आपको आनंद लग रहा है? बहुत 3 दिन मजा में कितना वजन निकाल दिया होगा? है, अपने आप को कंफर्टेबल लग रहा है। वेट तो नहीं किया, पर हल 2 किलो कम हो गया होगा। 2 किलो कम हो गया, तो आप यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, जी कोई बुराई तो नहीं लग रही खाने के नहीं, अंदर? अपने मेरे को तो अपने इस कपड़ों के हिसाब से लग रहा था, पता कि टाइट हो गया कि खुले हो गए हैं, तो लग रहा है कपड़ों कुछ लग रहा है? लग रहा है लग रहा है कोई कपड़ों ढीले हुए को हैं? ढीला तो हुआ आपकी टमी बेचारी चली जाएगी, तो बड़ी आपकी अच्छी जो शर्ट बात वर्ट सब बेकार हो जाए, सब दबानी पड़ेंगी। एक फायदा है सरदार जी, वो जी, शादी के कपड़े आ जाएंगे। शादी वाले कपड़े आ जाएंगे, पड़ा हुआ है एक 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 को पैंट कोट पड़ा हुआ है, सूट पड़ा पड़ा हुआ हुआ है है, वो शादी पहन वाले दूंगा, चिंता मत करो। आपको मैं 65 और 70 के बीच में ले आऊँगा, ठीक है सर, सो नाइस ठीक है सर, जी? थैंक यू तो हो वेरी जाएगा, मच, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, थैंक और यू अगर जी आप जो बताए करते रहेंगे तो ये जी घुटने आपके, जब तक आप जिंदा 55 साल के हों, भगवान करे आप पूरी सैकड़ा पार करें, और ना, यही इतनी यही यही इतनी यही यही जोड़ आपका, इतनी यही जोड़ इतनी आपका इतनी काम देगा बस पक्का। जो जिंदगी बची है कंफर्टेबल निकल जाए, बस वो हाँ, बड़ा बस आराम आपका से, ही चाहिए आराम बस। से, मैं ये सही चलेंगे, ठीक है जी? तो ठीक है डॉक्टर साहब, एक नारा होता सरदारों का, सत श्री अकाल हाँ, जो बोले बोले सो सो बोले सो, निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहेगुरु का जी खालसा, की वाहेगुरु जी फतेह। फतेह। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट्स केयर, और मेरा ए नाम 74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 00142430066। सरदार जी, पेशेंट आपका नाम? पेशेंट का नाम प्रदीप सिंह, आपका नाम प्रदीप सिंह है, प्रदीप सिंह, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मी नगर में रहते हैं, ठीक। तो अब बाकी जो शिकायत घर जाके करिएगा, थैंक यू, ठीक है जी? थैंक ओके जी, बाय। यू।